हेलो फ्रेंड्स, एमपी व्यापम रेडियोग्राफर एग्जाम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हाई टेंशन केबल। आज के टॉपिक में हम एचटी केबल या हाई टेंशन केबल के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये एक एक्सरे ट्यूब हाउसिंग है और ये एक कोई एक्सरे जनरेटर है। इस एक्सरे जनरेटर, ये एक्सरे ट्यूब हाउसिंग जिसके अंदर एक्सरे ट्यूब हो गई और ये एक्सरे हाई टेंशन जनरेटर होता है, वो जनरेटर है। ये दोनों एकदम से सेपरेट असेंबली होती है। ये यहाँ पे हाई वोल्टेज क्रिएट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है और वो उस हाई वोल्टेज को एक्सरे ट्यूब के किनारों पर हम लगाते हैं जिससे एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हाई टेंशन केबल का उपयोग किया जाता है। देखिए, हाई टेंशन जनरेटर से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में जो वोल्टेज है वो प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे एक्सरे ट्यूब किनारों पर हम 40 केवी से 150 केवी तक अप्लाई करते हैं और इस वोल्टेज को, इस जो पोटेंशियल है, इसको एक्सरे ट्यूब तक ले जाने के लिए एक केबल होती है जिसे हम हाई टेंशन केबल करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करती है, यहां तक ले जाती है, इसके ट्रांसमिशन का काम करती है। तो ये दोनों जो सेपरेट असेंबली है ये हाई टेंशन केबल के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं। देखिए, ये हाई टेंशन केबल का ब्लॉक डायग्राम। इस हाई टेंशन केबल के अंदर सेंटर के अंदर कंडक्टर वायर होते हैं। एक चीज और, एक्सरे ट्यूब के लिए साधारणतः दो एचटी केबल की आवश्यकता होती है, एक एनोड के लिए और दूसरी कैथोड के लिए। दो एचटी केबल इसके अंदर काम में ली जाती है। इन एचटी केबल में, एनोड वाली केबल में एक कंडक्टर वायर होता है जो एनोड के किनारों के ऊपर इसको कनेक्ट करता है। कैथोड की जो एचटी केबल होती है, जो कैथोड से कनेक्ट होती है, उसमें दो कंडक्टर वायर होते हैं जो कि दो अलग अलग फिलामेंट के लिए काम में लिए जाते हैं। अलग अलग फिलामेंट को अलग अलग कंडक्टर वायर से जोड़ा जाता है। मॉडर्न जो एचटी केबल आती है उसमें एक ही एचटी केबल काम में ली जाती है जिसमें तीन वायर होते हैं, एक एनोड के लिए और दो कैथोड के लिए होते हैं। इसके अंदर जो कंडक्टर वायर होते हैं एचटी केबल में, ये कॉपर के बने हुए होते हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ये कॉपर के कंडक्टर वायर इंडिविजुअली इंसुलेटेड होते हैं तथा इन कॉपर वायर्स को कोर भी कहते हैं। इसके चारों तरफ एक रबर की इंसुलेशन शीट होती है, इसको इंसुलेट, जो इन तारों इनको इंसुलेटेड करता है। एक और चीज, इस इंसुलेशन शीट की जो थिकनेस है वो थिकनेस इसके किनारों पर लगाए गए वोल्टेज के साथ साथ बढ़ती जाती है। मतलब अगर हमें हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करना है तो थिकनेस, जो इंसुलेशन शीट है इसकी थिकनेस बढ़ानी होगी, और अगर हम कम वोल्टेज ट्रांसमिट कर रहे हैं यानी इसके किनारों पे कम वोल्टेज लगा रहे हैं तो इसकी थिकनेस हम कम भी ले सकते हैं। इसकी थिकनेस डिपेंड करती है इसके द्वारा ट्रांसमिट होने वाले वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा इसके बाहर एक मेटेलिक शीट होती है, इस मेटेलिक शीट को अर्थिंग कर दी जाती है, ग्राउंडिंग कर दी जाती है इसकी, ये इसको इलेक्ट्रिसिटी से प्रोटेक्शन प्रदान करती है। किस तरह से प्रदान करती है मैं बताता हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए हम एक एचटी केबल, कोई भी एक एचटी केबल ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, इसके यहाँ से जो इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर होगा, इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से जो करंट आएगा उस करंट को ये क्या करेगा, ये एक्सरे ट्यूब के किनारों पर आरोपित करेगा। एक मतलब एक एनोड के लिए, मैं दोनों तार यहीं पर एड कर रहा हूँ उसको आपको समझाने के लिए। तो और इसके चारों तरफ जो सीट होगी उस सीट को इस एक्सरे ट्यूब हाउसिंग के किनारों पर हम कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से, और ये दूसरी वाली साइड से ये ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब देखिए, जो वोल्टेज होगा या करंट होगा उसका फ्लो इससे होगा और ये सीट है, इसको इसको हमने क्या कर दिया, कंटिन्यूस कर दिया, किससे, जनरेटर से और एक्सरे ट्यूब हाउसिंग से। अब अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल फेलियर होता है, इलेक्ट्रिक आर्क होता है जिससे चार्ज इस ट्यूब हाउसिंग पर आ जाता है, तो वो सारा चार्ज क्या होगा, वो इस जो जो मेटेलिक सीट है, इस मेटेलिक सीट के जरिए कहा जाएगा, ये मेटेलिक सीट के जरिए इस ट्यूब जो एचटी जनरेटर है, इस एचटी जनरेटर पर आ जाएगा और इस एचटी जनरेटर का जो कवरिंग है इसको मैंने क्या कर रखा, ग्राउंडिंग कर रखी है, तो ये सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। इस तरह से आपको इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन प्रदान करती है मेटेलिक शीट होती है, ये क्या करती है, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन प्रदान करती है।
अतः इस तरह से एचटी केबल का एक किनारा एक्सरे ट्यूब हाउसिंग से जुड़ा होता है जो एक्सरे ट्यूब से कनेक्शन प्रदान करता है तथा इसका दूसरा सिरा एचटी जनरेटर से प्रदान करता है। एक चीज, इसके जो कनेक्शन होते हैं वो प्लग एंड सॉकेट प्रकार के होते हैं। किस तरह के होते हैं? प्लग एंड सॉकेट प्रकार के, यानी यहाँ पे जो जनरेटर और जो ट्यूब हाउसिंग है इसमें सॉकेट होते हैं जिसमें इस एचटी केबल के प्लग को लगा दिया जाता है। एक और चीज, अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल फेलियर होता है इस एचटी केबल के अंदर, किसके अंदर? इस एचटी केबल के अंदर। इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन के अंदर एक जो बर्निंग स्मेल, जलने की स्मेल आएगी जिससे हमें पता चल जाता है कि मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल फेलियर इसके अंदर हुआ है। तो इस तरह से ये क्या करती है? ये पेशेंट और जो स्टाफ है उसको इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रोटेक्शन प्रदान करती है। ये एचटी केबल का चैप्टर कंप्लीट है।